वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज का सेशन शुरू करते हैं, खतरनाक सेशन होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन निर्मल से होगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुष्क धुलाई के काम आता है? बेंजीन। पहला क्वेश्चन का आंसर सही है। गैमेक्सिन है एक कीटाणुनाशक। सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ऑप्शन ए, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, बेंजोइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन। हाँ, अगर याद रखना है, अगर यूवी लाइट सूर्य प्रकाश रहेगा तब होगा बीएससी, बनेगा गैमेक्सिन। और जब लो उत्प्रेरक का उपस्थिति रहेगा तो बनेगा क्लोरोबेंजीन, याद रखना। चलो, ट्राई नाइट्रोबेंजीन टीएनबी है एक विस्फोटक, एक्सप्लोसिव बोलते। ट्राई नाइट्रो टॉलविन है एक, ये भी विस्फोटक। दोनों यार, यही टीएनटी और ग्लिसरीन को मिला करके बनता है तुम्हारा वो क्या नाम है, डायनामाइट। समझे कि नहीं? और डायनामाइट जिसका खोज किया अल्फ्रेड नोबल, और उसी के सम्मान में आज हम लोग नोबल प्राइज जो दिया जाता है, बहुत पैसा संपत्ति मिलता, पता ही है कितना पैसा मिलता, करोड़ों से ऊपर पैसा मिलता। इसके बारे में कहानी है कि अल्फ्रेड नोबल जो है ना, आज जो नोबल प्राइज मिलता है इसके पीछे कहानी है। जब अल्फ्रेड नोबल जब पूरा पैसा कमा लिए थे इससे, कोई चीज आविष्कार करेगा पैसा कितना आता है, लेकिन उसका इतना ज्यादा बुराई होने लगा कि आपने ये ऐसा चीज खोज दिया जो पूरे देश में विनाश को ला दिया, तो उसे बहुत आहत हो गए। और उसने एक ऐलान किया कि हमने जितना भी संपत्ति से कमाया है, फूट फूट के खूब रोया वो, अरे वो ऐलान कर दिया कि हमारा जितना संपत्ति सब डोनेट कर देते हैं सीधे फंड की ओर। तो फंड दे दिया और बोला कि हमारे नाम से अगर कोई, अगर किसी को पैसा मिलता जो साइंस के क्षेत्र में, मैथ के क्षेत्र में छोड़ करके, क्योंकि मैथ में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये कहानी है इसमें। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिर्बेन का तेल के नाम से जाना जाता है, मिर्बेन का तेल। अब नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, फिनोल, टॉलविन। नाइट्रोबेंजीन। इसका आंसर होगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, बहुत बढ़िया। रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है? एनिलीन। सही है। डीडीटी का पूरा नाम है? डीडीटी का ना, ऑप्शन है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइबेंजाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइइथाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है? अल्फा क्लोरोएस्टोफिन। दवा बनाने के काम में आता है? दवा ना, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को ही बहुत जगह में यूज करते हैं, जैसे कि खाना का प्रिजर्व करने में, जैसे भोजन हो गया उसको ठीक करना है, तो उसको बेंजोइक अम्ल का ही यूज होता है, सोडियम बेंजोइक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताजा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाया जाने वाला यौगिक क्या है? सोडियम बेंजोइक। सही बताया। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। वही है। निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? क्यों? वही होगा सर। क्या? बेंजोइक, सोडियम बेंजोइट होगा इसका आंसर। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? बेंजोइक। हाँ, दोनों एक ही चीज खाली। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है? फूड प्रोसेसिंग, वही बेंजोइक। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है? क्लोरो एसिटोफिनोन, ब्रोमो एसिटोफिनोन, फ्लोरो एसिटोफिनोन, क्लोरो एसिटोफिनोन। क्लोरो एसिटोफिनोन, ब्रोमो एसिटोफिनोन, फ्लोरो एसिटोफिनोन, क्लोरो एसिटोक्यूसोन। वही क्लोरो एसिटोफिनोन। और इसके पहले भी राहुल बोल चुका था, तो ध्यान रखो। yes. एक ही क्वेश्चन घुमा के आया था। कार्बोलिक अम्ल है?
कार्बोलिक अम्ल है, कार्बोलिक अम्ल है। हाँ सूत्र बताना है। हाँ C6H5OH फिनॉल, सही है। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकलती है, निकली थी, बहुत इंपोर्टेंट खतरनाक, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसो साइनाइड। नेप्थेलिन का मुख्य स्रोत है, कोल तार, डीजल, चारकोल, कैंफर, कैंफर, कोल तार सही तो सब निकलता है। क्लोरल क्लोरो बेंजीन के साथ संघनन पर देता है, बीएससी टीएनपी डीडीटी टीईएल डीडीटी। टेफ्लॉन क्या है, फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, रोगाणुनाशक, कीटनाशक, जेपीएससी में पूछा है, फ्लोरोकार्बन। ऑर्लन बहुलक है, ऑर्लन बहुलक है। केवलर का, एक्रिलो नाइट्रिल का। क्लोरो इथिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है, क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है, ये होता है पीवीसी। प्राकृतिक रबड़ का एक बहुलक है, सॉरी प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, इथिलीन, इथिलीन का, एसिटिलीन का, आइसोप्रीन का, विनाइल क्लोराइड का, इथिलीन का, एसिटिलीन का, आइसोप्रीन का, विनाइल क्लोराइड का, आइसोप्रीन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, नायलॉन, ऊन, रेशम, चमड़ाई प्राकृतिक बहुलक है, नायलॉन कृत्रिम बहुलक है, निम्नलिखित में कौन एक बहुलक है, विनाइल क्लोराइड, यूरिया, स्टाइरीन, स्टार्च, स्टार्च। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, नायलॉन 66, रेयन, केवलर, डेक्रॉन, केवलर। खाना बनाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है, टेफ्लॉन। प्लास्टिक वस्तुतः होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जटिल यौगिक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के समावयवी या एक अकार्बनिक जटिल यौगिक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक। बेकेलाइड फिनॉल था अन्य किसका बहुलक है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, सिनेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला शब्द पीवीसी से क्या तात्पर्य है, पॉलीविनाइल कार्बोनेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सॉरी फॉस्फोविनाइल क्लोराइड, पैराविनाइल क्लोरोबेंजीन, वही पॉलीविनाइल क्लोराइड। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण से होता है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। बरसाती रेनकोट्स किससे बनाया जाता है, ऑप्शन दे दीजिए, पॉलीइथिलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीक्लोरोइथीन, पॉलीकार्बोनेट्स। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में किया जाता है, पॉलीथिलीन। तो पॉलीथिन। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह के जबरदस्त सेशन को देखने के लिए आप लोग विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कल है केमिस्ट्री का आखिरी दिन, तो जरूर से जरूर जुड़े हैं, और उसके बाद फिर हम लोग नया सेशन शुरू करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, होशियार बनिए, और जब ठान लिए कुछ करने का तो नहीं रुक जाने का। थैंक यू।